तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप जेपीजी फॉर्मेट का जो फाइल है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी जेपीजी इमेज फॉर्म में जो फाइल है उसको आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एक ट्यूटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरा फाइल है और ये फोल्डर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एक फाइल यहाँ पे रखा हुआ है जो कि जेपीजी फॉर्म में है। अभी इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जेपीजी इमेज, ये फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाता है ये फाइल। तो ये इमेज फाइल को हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आई लव पीडीएफ अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा। ये एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है, तो इसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आई लव पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। आई लव पीडीएफ में यहाँ पे देख सकते हैं 6th नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6th नंबर पे यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि डिवाइस, गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स। तो हम यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जैसे डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आई लव पीडीएफ का फोल्डर है, ये ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जेपीजी फॉर्म में जो फाइल है उसको यहाँ पे हाईलाइट्स होगा, तो इसको हम जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिलता है, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज ऑर्डर, रोटेट इमेज, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, एड पेज मार्जिन, मार्च आफ्टर, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं बात करूँगा कि कैसे आप इमेज को पीडीएफ फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मर्ज फाइल है, मर्ज आफ्टर इमेज, यहाँ पे सारा जो इमेज फाइल है वो आपको मर्ज करके यहाँ पे दिखाया जाएगा पीडीएफ फाइल में। तो हम इसको अनेबल भी कर सकते हैं, इसको इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसको मर्ज फाइल में यहाँ पे नीचे पे आपको सिंपल सा इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कुछ सेकंड्स में यहाँ में हमारा जो फाइल है वो कन्वर्टेड हो चुका है। तो हम आपको डायरेक्ट अपने फाइल में जाके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइल है, यहाँ पे हम अपना फोल्डर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जेपीजी फाइल था अभी ये आउटपुट में यहाँ पे देखिए कन्वर्टेड हो चुका है। तो ये देखिए अभी इमेज पीडीएफ, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एज इट इज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी इमेज फाइल या जेपीजी फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और भी बहुत सारे वीडियोस पीडीएफ रिलेटेड मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।